गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उस्मान अहमद। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक पूरी की पूरी यूनिट है जिसमें हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। इसका हमें सबसे बेसिक अभी देखना है एक्सटर्नल फीचर ऑफ क्रिस्टल कि सबसे पहले हम एक क्यूब कंसिडर करेंगे। अब इसमें देखना है कि इसमें कितने फेस होते हैं, कितनी एजेस होती हैं, कितने कॉर्नर, बॉडी डायगनल, फेस डायगनल, तो वो सब देखते हैं। नंबर एक, फेस। दूसरे नंबर पे एजेस। फेसेस, ये वाला फेसेस होगा, एजेस, कॉर्नर्स, फेस डायगोनल, और एक और आता है बॉडी डायगोनल। तो क्यूब में फेसेस देखिए, ये वन, ये टू, थ्री, फोर, और ये फ्रंट वाला ये फाइव, और ये पीछे वाला इसके बैक साइड वाला ये हो गया सिक्स। क्यूब में फेसेस हो गई सिक्स। एजेस, क्यूब में एजेस कितनी होती हैं, ये वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, और ये वाली एट, ये नाइन, और ये टेन, ये इलेवन, और ये वाली ट्वेल्व एजेस हो गई। कॉर्नर, इसमें एक कॉर्नर ये फोर, ये फाइव, सिक्स, सेवन, एट, कॉर्नर हो गए एट। फेस डायगोनल, यानी एक फेस पे कितना डायगोनल होता है, तो फेसेस हैं सिक्स। एक फेस पे अगर मान लीजिए यहाँ पर एक फेस, यहाँ से एक बॉडी डायगोनल ऐसे जाएगा, एक बॉडी डायगोनल ऐसे, तो एक फेसेस पे दो डायगोनल जा रहे हैं, तो सिक्स पे हो जाएगा सिक्स इंटू टू इज इक्वल टू ट्वेल्व डायगोनल। और बॉडी डायगोनल की बात आती है तो हम इसको एक क्यूब से कंसीडर करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये, अब इसमें फेसेस देख लीजिए आप लोग, वन मिनट। तो सबसे पहले फेस से स्टार्ट करते हैं, फेस से समझ लीजिए फेस कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो ये वाला वन था, तो ये वाला वन, और नीचे वाला इसके टू, इसके नीचे ये वाला टू, और इस साइड वाला थ्री है, तो इस साइड वाला आप थ्री ले लीजिए, फोर इसके ऊपर, फाइव ये वाला, और सिक्स इसके पीछे वाला, इधर वाला, इसके पीछे वाला सिक्स। ये सिक्स फेसेस हो गए। अब एजेस, इसमें कितनी एजेस हैं, तो ये देखिए, ये हो गई, यहाँ से शुरू करते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, ये हो गई फाइव, ये सिक्स, और ये वाली सेवन, ये वाली एट, ये नाइन, ये टेन, ये वाली इलेवन, और ये वाली इधर वाली ये ट्वेल्व, ये ट्वेल्व एजेस हो गई। अब हमारा देखना है इसमें कॉर्नर कितना है, एट होगा, वन, टू, थ्री, फोर, फोर नीचे, फाइव, सिक्स, ये सेवन, और ये वाला एट। अब आती है फेस डायगोनल की, तो ये वाला पूरा एक फेस हो गया। अब इस पर कितने डायगोनल हो सकते हैं, तो एक डायगोनल ये हो जाएगा, और दूसरा वाला डायगोनल ये, तो एक फेस पे दो डायगोनल, तो सिक्स फेसेस हैं, सब पे दो दो होगा, सिक्स इंटू टू इजिकल टू ट्वेल्व डायगोनल होगा, फेस डायगोनल ट्वेल्व। अब आती है बात बॉडी डायगोनल की, यानी कि इसमें बॉडी डायगोनल कितना है। बॉडी डायगोनल मतलब एक यहाँ से लाइन जाए, और एक इसके पीछे, एक यहाँ से और इसके पीछे, तो यहाँ से ऐसे, एक यहाँ से और इसके पीछे एक हो जाएगी, और एक यहाँ से जाएगी तो इसके पीछे, यहाँ पर ये दो, तो एक यहाँ से, तो एक यहाँ पर ये तीन, और एक यहाँ से, एक यहाँ पर ये हो जाएगी चार।
बड़ी डायगनल हो जाएंगी फोर, फोर कॉर्नर ऊपर वाला जो है, एक ऊपर वाला कॉर्नर और एक इसके अपोजिट साइड नीचे वाला कॉर्नर, ऐसे एक एक बड़ी डायगनल यहाँ से हो जाएगी, बाकी तीनों के अपोजिट अपोजिट डायगनल से चार चार बड़ी डायगनल हो जाएंगी इसमें। बड़ी डायगनल इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा फोर। हाँ, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल तो इसमें इंटरफेशियल एंगल कितनी कितनी होती है, देखिए यहाँ पे एक यहाँ से ये मान लीजिए हमारा एक्स, ये वाला मान लीजिए वाई, और ये वाला मान लीजिए जेड। तो इसको मैं इसको बाहर निकाल कर थोड़ा सा विजिबल करता हूँ, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, ये हो गई जेड। तो इंटरफेशियल एंगल मतलब इसके ये वाली एंगल और ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, इसको नाम दे देते हैं अल्फ़ा और इसको बीटा और इसको गामा। तो ये एक दूसरे के सभी एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा सभी एक दूसरे के इक्वल है, तो सभी बराबर होंगी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ये एक ऐसे है और ये वाली जो लाइन है वो इस पर ऐसे ऐसे बाहर की साइड है, बोर्ड से बाहर की साइड, तो परपेंडिकुलर है, तो सभी के सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो 90 एंगल इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए एंगल, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, बस हो गया। तो हमारा दूसरा टॉपिक है सिमेट्री एलिमेंट ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। तो क्यूबिक क्रिस्टल की सिमेट्री एलिमेंट, तो सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, नंबर एक, तो क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है देखते हैं। तो सेंटर तो एक होगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होगी, तो क्यूब में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा हम इसको टू डी में, जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी में पढ़े हैं, तो इसमें क्या है सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है कि ये वाला जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जो एटम होगा, ये यहाँ से ये इधर से इधर चला जाएगा, ये इधर से इधर आ जाएगा, और ये वाला ये इधर से इधर, ये वाला इधर से इधर, तो बीच में सेंटर ऑफ इन्वर्जन यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो उसी तरह से क्यूब में भी है, क्यूब पूरा एक जैसे कि आप रूम कंसीडर कर सकते हैं, तो रूम के बीच में कोई एक पॉइंट होगा वही उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। अब हमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी है, इसमें एक हो जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 1। हमें क्या देखना है इसमें क्यूबिक क्रिस्टल की सिमेट्री एलिमेंट कितना है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 हो गई। तो अब देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इस क्यूब में एक्सिस कहाँ कहाँ से पास हो सकती है पहले वो देखेंगे कि उसमें कितनी एक्सिस पास हो सकती है। तो एक एक्सिस अगर हम एजेस से डालें, इस एजेस से जाए, इस एजेस से निकलें, दूसरे यहाँ कॉर्नर से कर सकते हैं, और तीसरी हम फेसेस से कर सकते हैं, तो तीन तरह की एक्सिस यहाँ पर पॉसिबल हैं, जो एक एजेस एजेस टू एजेस ले जाएगी, और कॉर्नर टू कॉर्नर, और ये फेस टू फेस, अप डाउन टू फेस, तो हम इसको भी ड्रा करते हैं थोड़ा।
तीन एक्सेस पास होने वाली हैं, तो पहले हम तीन क्यूब ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद तो मैंने पहले तीन क्यूब ड्रा कर लिए, तो अब इसमें से एक्सेस पास करते हैं, एक यहाँ से एजेस टू एजेस, यहाँ से यहाँ तक, एजेस टू एजेस हो जाएगी, और एक कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ से यहाँ तक, और एक फेस से हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तीन तरह की एक्सेस यहाँ पर पास हो सकती है, एजेस टू एजेस, कॉर्नर टू कॉर्नर, फेस टू फेस। अब इसमें एजेस वाले में एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन कौन सी एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सी टू, सी थ्री, सी फोर, तो इसको हम थोड़ा इसके ज़रिए देखते हैं। इसमें इमेजिन कराई के मैं दिखाऊंगा, एजेस टू एजेस में मैं बात करूंगा पहले। इस एजेस से मैंने यहाँ पे डाली है, और इसके अपोजिट एजेस से यहाँ से निकाल दिए, तो इसको रोटेट कराते हैं। तो ये पहला है, तो ये हो गया। अब इसको हम रोटेट कराएंगे तो सेम मालिक्यूल अगर ऐसा ही मिलेगा, कितनी बारी में उसको देखेंगे हम, तो एक बार इसको हम पहले रोटेट करते हैं। ये एक बार में उसके जैसा है एक ये क्यूब, तो ये हो गया एक रोटेशन। अब ये दूसरे रोटेशन पे फिर से हमें वही मिल गया, ये वाला वन, फिर तो वही आ गया। तो इसमें टू रोटेशन है, तो इसमें सी टू ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी सी टू ऑफ सिमेट्री, सी टू सिमेट्री। तो अब हम देखते हैं इस कॉर्नर वाले को, तो मैंने इसको यहाँ से कॉर्नर कॉर्नर से डाल दिया है, तो फिर एक इस कॉर्नर से, एक इस कॉर्नर से, इसके अपोजिट वाले से। तो इस कॉर्नर से इसको हम रोटेट करके देखते हैं, ये पहला वाला है, इसको एक बार रोटेट करेंगे ये इस तरह से, ये दूसरा हो गया। अब इसको एक बार और रोटेट करें, ये तीसरा। अब चौथी बार में जब रोटेट करेंगे तो ये वाला फिर से वही हो जाएगा। तो इसमें रोटेशन थ्री हुआ है, तो इसमें सी थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये देखिए रोटेट कर, ये वाला वन टू, ये थ्री रोटेशन में हमें फिर से वही सेम मिल जा रहा है। तो इसमें सी थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सी थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसी तरह से हम इसका भी देख लेते हैं, फेस से पास करता हूँ मैं इसे, एक इस फेस से, एक इस फेस से, मैंने दो फेस से इसे पास किया। तो ये वाला पहला है, इसका हम रोटेशन देखते हैं, वन रोटेशन, ये दूसरा, दूसरे रोटेशन में तीसरा, तीसरे रोटेशन में चौथा। अब चौथे रोटेशन में फिर से हमें वो पहला वाला मिल जाएगा, यहाँ पर रोटेशन फोर हो जाएंगे, ये देखिए वन टू थ्री फोर, फोर में हमें वही मिल जाएगा, सेम वही। तो ये इसमें हो जाएगी सी फोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसमें सी टू हो गई, सी थ्री हो गई, सी फोर हो गई, तो ये सी टू सिमेट्री है, तो इसमें कितनी सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी है, तो इसमें एजेस हैं 12, और एक सी टू सिमेट्री के लिए हमें चाहिए दो एजेस, एक ये, तो 12 होने के लिए दो, 12 बाई टू, ट्वेल्व बाई टू इज इक्वल टू सिक्स, सी टू सिमेट्री हो जाएगी, इसमें सी टू सिमेट्री सिक्स हो जाएगी। अब इसमें सी थ्री सिमेट्री है, कॉर्नर होते हैं एट, एक कॉर्नर के लिए एक कॉर्नर, तो एक एक्सिस पास होने के लिए दो कॉर्नर चाहिए, तो टोटल हैं एट, पास होने के लिए चाहिए दो कॉर्नर, तो ये हो जाएगा फोर, फोर थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसी तरह से इसमें सिक्स फेसेस होते हैं, तो एक फेसेस के लिए हमें चाहिए एक एक्सिस के पास करने के लिए दो फेसेस, तो सिक्स बाई टू कर दो इज इक्वल टू थ्री सी फोर, सी फोर सिमेट्री हो जाएगी।
सी फोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको कहा जाए सिक्स सी टू सिमेट्री, फोर सी टू सिमेट्री, इसमें थ्री। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी वो देख लेते हैं। टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू हो जाएगी इसमें सिक्स फोर थ्री इक्वल टू थर्टीन। टोटल थर्टीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अभी इसको एक और कहा जाता है, इसका नाम दिया जाता है सिक्स डायड एक्सिस। और इसको कहा जाता है फोर ट्रायड एक्सिस। और इसको कहा जाता है थ्री टेट्राइड एक्सिस। इस वाले को थ्री टेट्राइड एक्सिस। तो क्यों कहा जाता है सिक्स ट्रायड एक्सिस? तो सिक्स तो पहले ये देख लीजिए, इसमें सिक्स सी टू सिमेट्री है, तो ये सिक्स ऐसे सिक्स हो जाएगा। और इसमें सी टू है तो टू के लिए डाई, तो यहाँ पर डायड एक्सिस हो जाएगी। और यहाँ पर फोर, फोर सी थ्री है तो फोर का फोर सी थ्री, थ्री के लिए ट्राई, ट्राई आर्ड एक्सिस हो जाएगी। और यहाँ पर सी फोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सी फोर कितनी है तीन है, तो तीन के लिए तीन, फोर के लिए टेट्राइड एक्सिस हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब इसमें हम बात करने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें पढ़ सकते कितनी कितनी तरह से पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। तो टोटल नाइन है, थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन है और सिक्स डायगोनल प्लेन है। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन जो पहला वाला पड़ता है तो फिर ऐसे पड़ता है, एक बीच में क्यूब है, ये बीच से इसको बिल्कुल आधा हाफ कट करता हुआ जाएगा, ये इधर से जाएगा उधर से निकल जाएगा, हाफ इधर हाफ इधर। अब दूसरे वाले में ऐसे पड़ेगा, ऐसे हाफ इधर हाफ इधर। अब तीसरे वाले में ये ऊपर से प्लेन ऊपर से पड़ेगा, ऐसे ऊपर से कट करता हुआ, आधा इधर आधा इसके पीछे। अब इसमें डायगोनल प्लेन है, जो डायगोनल प्लेन पहले एक तो ऐसे पड़ेगा, एक ऐसे और एक इसके बिल्कुल अपोजिट साइड ऐसे ऐसे जाएगा। और फिर दूसरा वाला जो आएगा वो पीछे वाले से ऐसे आगे की तरफ आएगा ऐसे, और इस वाले में उसका अपोजिट ऐसे करके ऐसे आगे वाले से करके ऊपर वाले से उसके पीछे साइड में जाएगा। अब बचता है एक इधर वाला, ये जैसे ऊपर वाला ऐसे करके ऐसे करके इधर से ऐसे कर करेगा, ये वाला ऐसे, फिर इसके अपोजिट ये ऐसे। इसमें ऐसे थोड़ा सा वैसे हो रहा था तो फिर इसको मैंने दूसरी तरह से बनाया, ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं आप, ये दोनों सेम है। ये नहीं कहना कि टेन हो जाएगा, नहीं, ये दोनों सेम है, इसको मैंने अलग बनाया ऐसे। ये और ये दोनों देखने में सेम लग रहे हैं लेकिन सेम है नहीं, ये एजेस से जा रहा है, मतलब एक मान लो दीवार का कोना है उससे होता हुआ दूसरी दीवार तक जा रहा है, और ये किसी छत की एजेस से, और ये ऊपर नीचे से नीचे की तरफ जा रहा है। इसको हम इसके ज़रिए देखते हैं, इससे देखते हैं। तो प्लेन इसमें जैसे कट हो रहा है तो पहला वाला ऐसे कट हो रहा है, ऐसे ऐसे कट हो रहा है, आधा ऊपर आधा नीचे। और दूसरा वाला जो हो रहा है वो ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे। अब तीसरा वाला यहाँ से जो हो रहा है वो ऊपर से ऐसे कट हो रहा है, ऊपर से ऐसे कट हो रहा है, आधा इधर आधा इधर। अब इसमें डायगोनल प्लेन एक मान लो ये दोनों जो कॉर्नर है ये दोनों कंसीडर, ये दोनों कंसीडर करिए, और फिर ये दोनों के बाद फिर ये दोनों। अब इसमें से कोई प्लेन एक ऐसे जा रहा है, ऐसे अंदर से कोई इसे कट करता हुआ जा रहा है, इसे अंदर से इसे पूरा ऐसे कट करता हुआ जा रहा है, तो आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा। अब एक ऐसे जा रहा है तो इसका अपोजिट दूसरा वाला ऐसे, दूसरे वाले में ये आगे वाला, ये दोनों आगे वाला और ये दोनों पीछे वाला, ये वाला हो गया। इसमें ये दोनों ये पीछे वाला, अब इसका ये दोनों आगे वाला, अब ऐसे कट होगा। अब इस वाले की बात करते हैं, इसको ऐसे बोर्ड पर रख दें ऐसे, ये दोनों पीछे का ये दोनों कोना है, ये दोनों आगे की तरफ यहाँ से ऐसे ऐसे कट करता हुआ आएगा, ऐसे ऐसे डायगोनल प्लेन यहाँ से ऐसे। अब इसका अपोजिट जाएगा ये वाला,
ऐसे चला गया, दूसरा वाला ऐसे जाएगा यहाँ से ऐसे, या इधर से अंदर से पूरा ये कट करता हुआ जाएगा, इधर से पूरा अंदर से कट करता हुआ। अब बचा है ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये ऐसे पूरा ऐसे हाफ कट कर करेगा यहाँ से। अब इसमें ये वाला, ये पूरा हाफ ऐसे कट करेगा। तो इस तरह से हो जाएंगे टोटल। इन तीनों प्लेन को कहा जाएगा रेक्टेंगुलर प्लेन, जो कि 3 है, और इन तीनों को, इन तीन तीन 6 को रेक्टेंगुलर डायगोनल प्लेन, जो कि 6 हैं। तो टोटल टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 + 6 = 9 हो जाएगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल हो जाएगी 9। तो हमें देखना क्या था, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में हो चुके थे 1, सेंटर ऑफ सिमेट्री में 1 सिमेट्री थी। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू कितनी हो गई, 13। टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री 9। तो टोटल सिमेट्री एलिमेंट कितने हो गए, सब ऐड कर देंगे, 1 + 13 + 9 = 23। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इज इक्वल टू 23। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आज से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।